कब्जे और अब हमारे लाडले स्टार जो इस फिल्म के सुपरस्टार हैं, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं, मैं इसलिए उनको लास्ट में बुला रहा हूं। एक तो भाई दूल्हे को लास्ट में ही मतलब तरजीह देके बुलाई जाती है, दूसरी बात यह शादी के हाथ में अगर माइक पहुंच जाता तो किसी को बोलने नहीं होता, तो मैं सोचा कि बाद में ही बुलाता हूं। अरे हाँ, तो बुला रहा हूं सर, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और एक्चुअली क्या है, मैं जितना बोलना था बोल लिया गया, ये बोलने तो देगा नहीं मुझे। तो आपके लाडले स्टार सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, जो आज आसमान की बुलंदी पे हैं, लेकिन इनको पता है कि जमीन इनका कहां पे है। प्रोड्यूसर का जो दर्द समझता है, जो 104 डिग्री बुखार में भी काम करने से एतराज नहीं करता, जो दिन और रात काम करने की क्षमता रखता है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के अगले दिन 7 बजे तक अगर डांस करना हो तो भी करता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जो फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, संगीत में गाने बजाने में अपनी एक अलग उपलब्धि, एक अपना मुकाम पाने के बावजूद भी आज सिनेमा के प्रति इतना समर्पित है, ऐसे स्टार के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। और थोड़ा बहुत बोल देना, मैं भी बोलूंगा तो अगली फिल्म में मेरे रिकमेंड करेगा ना। और मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल जी अब आप संजय पांडे जी और मटरू जी को बुलाएं। और हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार संजय पांडे जी, मैं चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए संजय पांडे जी प्लीज स्टेज पे आए। सर, सबसे बड़े स्टार को लास्ट में बुलाया जाएगा। और जैसे स्वर्ग लोक में नारद मुनि की मुनि का स्थान होता है, वैसा ही हमारे बीच में एक नारद मुनि का स्थान प्राप्त कर चुके मटरू जी हैं। मटरू जी प्लीज स्टेज पे आए। और एक और गणमान्य स्टार हमारे बीच में है, अवधेश मिश्रा, मैं चाहूंगा कि अवधेश मिश्रा भी स्टेज पे आ जाए। बाबा आपके बिना अधूरा लग रहा सब, एक चांद चाहिए काली जुल्फों के बीच में, यस ये अधिक अच्छा है। और इस फिल्म से जुड़े हुए संजय महानंद जी और संजय वर्मा जी, संजय द्वय, देखिए एक स्टेज 3 संजय को कैसे संभालेगा, 4 संजय हो गए, अरे वाह 4 संजय हो गए, अब सब संभाल लेंगे, 4 हो गया तो संभाल लेंगे। अब खेसारी लाल जी को मैं माइक दूंगा कि प्लीज आप जो उद्गार व्यक्त करना है अपने दिल की करें। नहीं, हम ये ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है का खोदेंगे का हमको कुछ नहीं, यूँ ठीक है बनी। सबसे पहले जितने लोग मेरे सम्मानित लोग हैं, मास्टर जी, हमारे इस टेक्नीशियन जितने भी जुड़े हुए हैं, रजनीश भैया और हीरा मास्टर भाई आए हुए हैं जो कि फाइट मास्टर है हमारे, वो भी आ जाए। अब सब लोग आइएगा, दत्तू का है खाली रहोगा अभी भी, ऐसे लेके जितने लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जितने लोग हैं सबका नाम ले तो हम लोग किरण डूब जाए, ऐसे सबके पैर छू के प्रणाम करा धनी। आ जाए हीरा जी, आइए और दीवानापन एक मूवी जो संजय जी ने, अमित जी ने, सूरज जी ने मेहनत किया, और शिवम जो शिवम कहाँ हो तुम, बहुत मेहनत किया संजय जी का लड़का जो शिवम है, काफी योगदान था इसका, 24 घंटे हम लोग का ख्याल रखता था ये आदमी, लव यू, कुछ भी पेप्सी घटता था तो यह लाता था संजय जी, पेप्सी पीते है ना, हाँ ये पेप्सी डायबिटीज है ना इनको
इसलिए दीवानापन जो मूवी थी वो काफी एक अलग लोकेशन और बड़ा मजा आया मुझे। मैं एक महीना, मुझे लगता है कि जिला चंपारण के बाद पहली कोई मूवी थी जिसको मैंने ज्यादा दिन तक शूट किया, तो काफी टाइम शूट हुआ हम लोग का, कम से कम 32-33 दिन, और काफी अच्छी मूवी बनी। सबका अपना अपना योगदान रहा उसमें, और ये सेकंड हीरोइन बहुत अच्छा बोलती है, मुंह से बोल रही थी ना, तो कहाँ से बोले।